उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लगातार हो रही रिमझिम बारिश के चलते जनपद के थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम नगला बली में देर रात्रि एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिसमें भैंस का दूध निकालने गई 42 वर्षीय महिला सुषमा देवी की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दो जानवर भी दीवार के नीचे दबने से घायल हो गए। वहीं महिला की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर कुरावली पुलिस के अलावा एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं संबंध में परिजनों ने क्या कुछ कहा, क्या बताया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहाँ के रहने वाले हो? बलीपुर के। अच्छा, पोस्टमार्टम हाउस पे आए हो, क्या पूरा मामला है? हमारे छोटे भाई की भैंस दो रही थी जी, दीवार गिरी, पानी बरसा हो तो दीवार गिरी, तो वो वन टाइम खत्म हुई गई दीवार में दब के जी, भैंस घायल हो गई, बाबू जिंदा घायल हो गया। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, तहसील में लेखपाल एसडीएम को सूचना दी, सब लोग पहुँच गए मौके पर जी। कितनी उम्र होगी लगभग? 42 साल। कल शाम को बारिश हो रही थी, दीवार गिरने के कारण मेरी माँ की मृत्यु। अच्छा, क्या उम्र थी तुम्हारी माँ की? उम्र लगभग 42 साल। अच्छा, ये जो ना जो दीवार गिरी है, क्या कच्ची थी? नहीं, पक्की दीवार थी। पक्की दीवार थी, तो क्या वहीं उसी के सारे बैठी हुई थी क्या? नहीं, एक्चुअली वहाँ पर वो भैंस दूध लेने थी। अच्छा, दूध निकालनी थी भैंस का? तो भैंस भी घायल हो गई? और कितने लोग जख्मी? अकेली वही थी। तो उसी की तत्काल मर गई क्या? कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी, नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता, रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। आगरा में महाराजा अग्रसेन और महारानी माधवी के गूंजते जय घोष क्षेत्रवासियों को बैंड बाजे और भक्तिमय संगीत की धुन पर आमंत्रण देते अग्रवंशी। ये नजारा था कमला नगर स्थित कर्मयोगी एक्सटेंशन से शनिवार को महाराजा अग्रसेन जयंती के लिए आमंत्रण यात्रा का। अग्रमिलन समिति कर्मयोगी की ओर से आयोजित आमंत्रण यात्रा में समिति के अध्यक्ष पवन बंसल ने बताया कि आमंत्रण यात्रा प्रातः 8 बजे सुभाष नगर से ब्रज विहार, कर्मयोगी एनक्लेव, विमल वाटिका, अमिता विहार, सरयू धाम, वैभव एनक्लेव, ब्रज धाम होते हुए कर्मयोगी फुब्बारा पर समाप्त हुई। जगह जगह कॉलोनियों में आमंत्रण यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। समापन पर कर्मयोगी फुब्बारा पर महाआरती का आयोजन किया गया। रात्रि 9 बजे अग्र सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आज अग्रमिलन समिति द्वारा जो शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, इसका जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है। हर कॉलोनी में होकर निकल रही है, जहाँ जहाँ शोभा यात्रा जा सकती है वहाँ पे आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे वहाँ संदेश जाए कि सभी अग्रसेन महाराज की जयंती में शामिल हो सकें। इसका भव्य फूलों की पत्तियों द्वारा स्वागत, जगह जगह जलपान का। कर्मयोगी क्षेत्र से श्रीमान पवन बंसल जी के नेतृत्व में अग्रसेन जयंती प्रथम बार यहां से निकाली जा रही है। यहां के अग्रबंधुओं में काफ़ी उत्साह है और सभी से निवेदन है कि सभी लोग इस अग्रसेन जी की जयंती में उत्साहपूर्वक आएँ। पहले ये जनजन तक संदेश पहुँचाने के लिए इसका हमारे जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। इसके अंदर लोगों का बहुत ही उत्साह है। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता, माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत।
बलरामपुर में उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार के कार्यशैली के विरोध में न्यायालय का बहिष्कार कर रहे अधिवक्ताओं का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अधिवक्ताओं ने शुक्रवार तहसील परिसर में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया तथा एसडीएम तथा तहसीलदार द्वारा नियम विरुद्ध कार्य न किए जाने की चेतावनी दी। वार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल नयन तिवारी ने बताया कि उपरोक्त दोनों अधिकारी मनमाने ढंग से कार्यों को निपटा रहे हैं तथा अधिवक्ताओं की अनदेखी करते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है। बताया कि कार्यशैली में सुधार आने तथा अधिवक्ताओं को विश्वास में लिए जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा तथा न्यायालय का बहिष्कार किया जाएगा। हालांकि किसी भी दशा में चैम्बर में या न्यायालय में कोई भी अधिवक्ता यदि उक्त दोनों अधिकारियों से मिलने जाएगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। बरेली थाना इज्जत नगर क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र रस्तोगी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑफिस पहुंचकर नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए एक शिकायती पत्र दिया। व्यक्ति ने बताया 6 वर्षीय बेटा 5 सितंबर को समय करीब शाम 7 बजे चाचा के घर से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में नसीम अहमद उर्फ नसीमा पुत्र बुद्धू ने बच्चे को अकेला पाकर अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे बच्चे को पकड़कर घर में खींच कर ले गया और उसके कपड़े निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट में अश्लील हरकत की थी। मेरे बच्चे को खींच कर ले जाते पड़ोस में रह एक रिश्तेदार ने देख लिया तो भागकर मुझे बताया, तो मैं भागकर आया और बच्चे को बचाया। मैंने अपने घर पर आकर बच्चे से पूछा तो उसने उपरोक्त सारी बात मुझे बताई, तो मैं थाने में शिकायत करने के लिए घर से बाहर निकला ही था। नसीम अहमद उर्फ नसीमा अपने साथी बसीम सलीम पुत्रगढ़ बुद्धू अहमद अपने साथियों के साथ आकर मेरे घर में घुस आया और आते ही गंदी गंदी गाली दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। थाना इज्जत नगर में तहरीर दी, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। आज व्यापारी नेताओं के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की मांग की है। उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ, सुरेंद्र रस्तोगी मेरा नाम है। मैं, ये हमारे साथी हैं राशिद अली जी, हमारे संगठन में जिला उपाध्यक्ष हैं और उनके भतीजे के साथ 5 सितंबर को छेड़छाड़ की दुर्घटना घटी। पुलिस ने दूसरे पक्ष से मिलकर के उस घटना का पूरा स्वरूप ही बदल दिया। उसकी तो FIR लिखी ही नहीं, उन्होंने 5 तारीख को ही थाने में जाकर के तहरीर दी, अधिकारियों से मिले, अगले दिन SSP साहब से भी मिले, सारे प्रार्थना पत्र दिए सभी को। लेकिन वो घटना जो बच्चे से छेड़छाड़ की थी, 6 साल का बच्चा है, वो बदल दी गई पूरी तरह से और उल्टे उनके भतीजे को पर एक मुकदमा लिख दिया और एक मुकदमा इनके ऊपर लिख दिया 452 का, घर में घुस करके मारपीट करने का। आज हम अभी SSP साहब से मिलने आए हैं और इस निवेदन के साथ मिलने आए हैं कि इसमें सबसे पहले तो ये FIR हो, जो बच्चे के साथ छेड़छाड़ हुई है, 6 साल का बच्चा है, उसकी वीडियो भी बनाई है पुलिस ने और वो उसमें सारी बातें बता रहा है, उसके बावजूद अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसीलिए मिलने आए हैं। और उसके बाद जो है अगर ये कार्रवाई पर कुछ नहीं होता है तो आगे की रूपरेखा बना करके संगठन इसमें विचार करेगा, क्योंकि राशिद अली जी जो हैं हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं और इनकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। मेरा नाम रफीक शाह है। मामला यह है साहब, 5 तारीख की घटना है, मेरा नवासा लगभग उम्र उसकी 5-6 वर्ष की है, कक्षा 1 में पढ़ता है। मेरे घर से अपने माँ बाप के, मेरे दामाद भी गांव में ही रहते हैं, फरीदापुर चौधरी में, इज्जत नगर पड़ता है।
वो अपने घर जा रहा था, रास्ते में एक नसीम नाम का लड़का है, नसीम उर्फ नसीमा, उसने अंधेरे का लाभ लगभग 7:30-7 बजे की घटना है, उसको पकड़ लिया और उसको अपने घर में ले गया खींच के, ले जाके उसका नेकर उतार दिया, और नेकर उतारने के बाद में उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया उसने। जब बच्चा मेरा वो चीखा चिल्लाया नवासा मेरा, तो वो मोहल्ले के लोगों ने, किसी ने मुझे आके सूचना दी, मैं गया वहाँ, उस बच्चे को मैंने छुड़ाया, उसके बाद में वो लोग सब इकट्ठे होकर मेरे साथ मारपीट करने लगे, मुझे मारा पीटा। फिर मैं 5 तारीख को ही थाना इज्जतनगर में FIR कराने गया, मेरी तहरीर लेकर लिख ली, कोई कार्रवाई नहीं की गई उस पर। दूसरे पक्ष ने अपनी फर्जी छोटे मोटे बना के और जो है पुलिस से साठगांठ करके और मेरे खिलाफ़ जो है FIR करा दी उन्होंने, मेरे खिलाफ़ जो है 452, 323, 504 FIR करा दी झूठी, क्योंकि पुलिस जो है उन लोगों से मिलकर साठगांठ करके ये सब खेल कर 6 साल। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। एमपी के भोपाल जनपद के बेरसिया में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा भोपाल जिला ग्रामीण की आवश्यक बैठक बस्ती संपर्क अभियान को लेकर बेरसिया जनपद सभागार में संपन्न हुई, जिसमें माननीय विधायक विष्णु खत्री, बलजीत सिंह चौहान, जिला प्रभारी श्री रामलाल खट्टक जी, जनपद अध्यक्ष कुबेर सिंह गुर्जर, श्री लक्ष्मी नारायण शिल्पकार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष हिम्मत सिंह गोयल, श्री जिलाध्यक्ष किशन अहिरवार, दिलीप मौर्य जी आदि बेरसिया विधानसभा के विधायक माननीय श्री विष्णु खत्री जी ने बताया कि मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पखवाड़ा के तय है, जिसमें शासन की कई योजनाएं बताई जा रही हैं और बस्ती अभियान भी चलाया जा रहा है। किशन अहिरवार द्वारा बैठक को संबोधित किया गया एवं बैठक के सभी नवयुक्त जनपद सदस्य, सरपंचों, अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा सम्मान किया गया। को भी लगता है कि पार्टी के लोग जितनी चिंता पार्टी के अन्य मोर्चों की होती है, वैसी चिंता इस मोर्चे की नहीं करते हैं। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। फरुखाबाद के कोतवाली क्षेत्र कायमगंज में विद्या मंदिर महाविद्यालय की छात्राओं ने परीक्षा की कॉपियों का सही मूल्यांकन न होने से नाराज छात्राओं ने कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं का कहना है कि हमारी कापी पुनः चेक कराई जाए, क्योंकि जिन शिक्षकों ने मूल्यांकन किया है वह ठीक नहीं है, अतः पुनः मूल्यांकन कराया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। सर, हम लोगों का रिजल्ट अभी तक दोबारा से नहीं आया, हम लोगों ने तहसील में शिकायत भी की थी लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ, और यूनिवर्सिटी की तरफ से शासनादेश भी जारी हो गया है, हम लोग अपने परिणाम संतुष्ट नहीं है और रिजल्ट दोबारा आना है, इसलिए हम लोग कॉपियाँ दोबारा चेक करवाने। आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आप पास हैं? हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हमारी कॉपियाँ सही से चेक नहीं हुई हैं। तो आज ये लेटर किसको दे रहे हैं आप? SDM सर। किसके नाम संबोधित है? कुलपति के। मैट्रिक का जो रिजल्ट आया था तो कई दिन से इसके लिए मांग कर रहे हैं। क्या मामला है? हमारा
हमारा बीएससी का रिजल्ट बहुत खराब आया है, उसके लिए हम लोगों ने हर तरह से कोशिश कर ली और सारी मांगे कर ली, कहीं से कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही, ना यूनिवर्सिटी से कोई फैसले सही आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना रख रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हमारी कॉपियाँ दोबारा चेक हो। दोबारा चेक हो। क्या आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ने गलत किया है? कितने मार्क्स आए आपके? किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। हमें पता है, ऐसा नहीं लिखा था जैसे मांग। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। जनपद फरुखाबाद के शमसाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज सुबह एक मरीज के तड़पने का नजारा देखने को मिला। यह ग्रामीण क्षेत्र से गर्भवती महिला को अचानक दर्द होने पर वह जब अस्पताल आए तो सुबह 5 बजे से इमरजेंसी में किसी चिकित्सक ने नहीं देखा और उसे 9 बजे लोहिया अस्पताल फरुखाबाद रेफर कर दिया गया, जहां गरीब जनता के लिए प्रदेश की योगी सरकार तमाम योजनाएं लागू करती है, वहीं उनके बैठे नुमाइंदे कानून को ताक में रख कर अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? अच्छा, यहाँ किस लिए आए अस्पताल में? अच्छा, किस टाइम आए थे आप? सुबह वही आए थे 7:30 बजे। 7:30 बजे अब इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? 9:08। अभी तक कोई देखभाल हुई है? कोई डॉक्टर आया है आपको देखने? डॉक्टर नहीं आया, जो नर्स हैं रात वाली उन्होंने चेकअप किया। अच्छा अच्छा। आमोद कुमार। कहाँ रहते हो? बलीपुर। अच्छा, यहाँ किस लिए आया? प्रेग्नेंट औरत थी, पत्नी आपकी? प्रेग्नेंट औरत 2 महीने की, तो उसको प्रॉब्लम हो गई रात में, कोई वाहन मिला नहीं प्राइवेट, सरकारी वाहन 108 फोन किया यहाँ है। यहाँ तो कितने बजे आए थे आप यहाँ पे? तो आए 5:30 बजे। 5 बजे? 5 बजे से अभी तक जो है कोई देख रेख हुई है? देख रेख क्या, वहाँ के लिए रेफर कर दिया, लोहिया के लिए लिख दिया। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। सहारनपुर के अम्बेहटा चौकी क्षेत्र में रामलीला के मंचन पर अलग नृत्य से लोगों में गुस्सा देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना नकुड़ के अम्बेहटा पीर चौकी क्षेत्र का मामला। रामलीला की संस्कृति के विपरीत डांस कार्यक्रम से लोगों में गुस्सा। इस समय जगह जगह पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है, वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि अभी हाल ही में हिंदू योद्धा परिवार ने अपने संगठन के साथ जिलाधिकारी को इसी उद्देश्य से एक ज्ञापन भी दिया था और यह अश्लील डांस अश्लील प्रोग्राम बंद कराने की मांग की थी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है।
राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग ब्लड प्रेशर शुगर नींद न आना श्वास फूलना पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार नजर हर खबर पर।